हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब गोंदल साहिबा। तो ज़ैनब बताइएगा, ये मछली का तेल किन चीज़ों से मिलता है? मछली से ही मिलता है या कोई अलग से तेल में मिल जाता है? अच्छा, बेसिकली मिलता तो मछली से ही है, लेकिन मछली जब हम खाते हैं या हम तक जब वो पहुंचती है तब तक उसके वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने या मेडिसिन जो बना रहे हैं उन्होंने इसको कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में जो है कैप्सूल्स हैं उनकी फॉर्म में या आपको वो ऑयल की फॉर्म में भी मिल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों डिफरेंट होते हैं। यही सवाल था मेरा। हम दोनों को सेम कंसिडर कर देते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है। फिश ऑयल इज जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश से, खासतौर पर टूना वगैरह से, और कॉड लिवर ऑयल जो है वो फिश के कॉड लिवर यानी लिवर जो होता है उसमें कॉड एक पार्ट होता है उससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप ये देखें कि खाली बॉडी में वो फायदे नहीं होते जो स्पेशली लिवर में मौजूद होते हैं। अब जैसे हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी सबसे ज़्यादा फॉर्म्स जो है उनकी मौजूद होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म है जिनको हम लेते ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारी बॉडी जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकती है। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90-95% लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे, हड्डियों में दर्दें होती होंगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, आर्थराइटिस का शिकार होंगे या रिकेट्स का शिकार। रिकेट्स जो बच्चों में बोन की डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है कमजोरी की वजह से, आर्थराइटिस जो बड़े बुजुर्गों में, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, हाथों में, कोनी में, पाँव में, और यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कुछ हम लोग अपना हाथ जो है वो बीफ और मटन पे ज़रा ज़्यादा साफ करते हैं तो जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं, दिल की बीमारियां जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप कॉड लिवर ऑयल जो है उसको यूज़ करते हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हो, अपने दिल की जो बीमारियाँ उनको भी ठीक कर सकते हो, और जो वेन्स में आपके ऑयल जमना शुरू हो जाता है उसको भी ठीक करते हो। आप शहर बानो पूछेंगी यहाँ पे कि जो ऑयल है वो ऑयल को कैसे ठीक कर सकता है। बिल्कुल, और ऑयल तो वैसे ही जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं मना करते हैं कि ऑयली चीजें ना खाएं। बिल्कुल, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जिनके साथ ऑयल जाके मिलता है तो वो फैट्स को लेके बॉडी से बाहर जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बताऊँ की कॉड लिवर ऑयल खाने से आप अपने वजन को भी कम कर सकते हो, अपनी स्किन को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि विटामिन ई, अब आजकल आपने देखा होगा सीरम्स बड़े फेमस और बड़े महंगे महंगे मिल रहे हैं रेटिनॉल के नाम से। रेटिनॉल है क्या? विटामिन ए का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनॉल है। बिल्कुल, रेटिनॉल कहते हैं कि रात में लगा के सो जाएं आप। बिल्कुल, और आजकल तो वो एक मीम्स भी चल रही हैं कि अगर आपने ये गाना सुना हुआ है तो आपकी जो है वो रेटिनॉल लगाने की उम्र हो गई है, यानी आपको विटामिन ए की जरूरत है। अच्छा। अब विटामिन ए आज तक जो हम सुनते आ रहे थे वो यही था कि आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, या नाइट विजन जिन लोगों की खराब हो जाती है या कलरेशन में प्रॉब्लम वो लोग करते हैं उनके लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, लेकिन विटामिन ए आपकी स्किन को यंगर दिखाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉड लिवर ऑयल का और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। अब ओमेगा 3 का काम ये है, हमारी बॉडी में जितना भी आप समझे टिश्यू रिपेयर होना है, मसल रिपेयर होना है, कोई भी बॉडी ने आपकी ने काम करना है वो ओमेगा 3 करवा रहा होता है। ओके, अब ओमेगा 3 जो है हम लोग आपने अक्सर एड्स में इधर उधर सुना होगा ओमेगा 3 इसमें मौजूद है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एग में सुना है कि एग में भी होता है, एग में ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो बाहर से भी एड ऑन किया जाता है कि आप अच्छी अमाउंट में लें, लेकिन हर फॉर्म से खाने से बेहतरीन फॉर्म ये है कि आप इसको जो है वो कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में ले आफ्टर 40। डायबिटीज होने के चांसेस तो आफ्टर 30 ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 40 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेशो है डायबिटीज की। अगर आप कॉड लिवर ऑयल यूज करते हो तो आपको डायबिटीज के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, ये यही मेरा सवाल था आपसे कि जो एज ब्रैकेट है, किस एज ब्रैकेट के लोग जो इसे यूज कर सकते हैं? बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग सब यूज कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन और किसी भी उम्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल से लेके जितनी भी आपकी उम्र हो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मजे की बात यह सिर्फ खाने में नहीं आप इसको स्किन पे लगा भी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इस ऑयल का ये भी बेनिफिट है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं बहुत ज्यादा स्किन पे ड्राइनेस रहती है, स्किन के फ्लेक्स हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल लड़कियों का मसला मेकअप स्टे नहीं कर रहा होता, स्किन बहुत ज्यादा जो है वो डिहाइड्रेटेड है, जो है स्किन के ऊपर स्कार्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल, कॉड लिवर ऑयल का अगर आप डेली बेसिस पे 2-3 ड्रॉप्स ले और अपनी स्किन पे लगाना शुरू करें, किसी भी मार्केट से आसानी से मिल सकता है, बिल्कुल स्कैमर्स तो हर जगह पड़े हुए हैं, तो देखे हर जगह होते हैं। कोशिश करें कि आप बेहतरीन फॉर्म जो है उसकी वो खरीद सकें। अगर आपको कैप्सूल्स में मिल जाता है आप वो ले लें, अगर आपको ऑयल की फॉर्म में मिलता है आप वो ले लीजिए। तो कितने ले सकते हैं हम मंथ में?
अगर आप एक हफ्ते की हम बात करते हैं तो आप पूरे हफ्ते में 3 जो उसकी टीस्पून्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और किसी भी टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फेस पे लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। और अगर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम इसको इस्तेमाल करें, ताकि ना तो सुबह सुबह आप अपने बॉडी में बहुत ज्यादा फैट डालें ना रात के टाइम। बिल्कुल। अच्छा, इसकी निशानी भी कुछ बताएं कि क्योंकि मार्केट में बहुत से ब्रांड्स जो हैं ये ऑफर कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो असली और जाली में फर्क क्या है? अच्छा, असली और जाली में फर्क जो है ना, वो फिश के लिए इसलिए भी हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि फलानी मछली का फलाना तेल है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारी फिशेस का वो चीज नहीं कर सकते। तो हमें तो नाम ही ये काले रहू का आता है, खाते भी हम वही ज्यादा वही, और एग्जैक्टली ज्यादा महंगी भी नहीं है, वो ज्यादा महंगी भी नहीं है। और अगर कॉड लिवर ऑयल की बात करें तो ये ज्यादा जो ओशंस में रहते हैं एनिमल्स और फिशेस, ये उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसकी फॉर्म्स डिफरेंट आती है, लेकिन ये आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल कमर में दर्द रहता है, आप इसको ऊपर से मसाज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मछली खाने से हमें ये मिल सकता है, मछली खाने से आपको जो बेनिफिट्स हैं जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, वो जरूर मिल सकता है, लेकिन हम जिस तरह से मछली खाते हैं उसका विटामिन डी सारा बर्न आउट हो जाता है। हम मछली को खाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे मसाले लगा के, बेसन की कोटिंग्स करके, फिर डीप ऑयल में उसको फ्राई करके, जब वो फ्राई हो जाती है ना तो मछली का कुछ नहीं बचता। तो मछली खाने का सबसे बेहतरीन तरीका या उसको ग्रिल कर लिया जाए, बेक कर लिया जाए, या उसको बॉयल फॉर्म में खा लिया जाए। हमारे यहाँ सालन की फॉर्म में भी खाया जाता है, वो भी बेहतरीन है, उसमें भी खाया जा सकता है। ठीक।